हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 75 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की हीटिंग प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते ना चार्जिंग के लिए, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ वाला चार्जर ही आपको यूज़ करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपने किसी भी दूसरे मोबाइल फ़ोन का चार्जर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कारण क्या होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन जो है गर्म होने लगता है, हीट करने लगता है। तो ध्यान रखना इस बात का कि आपको अपने मोबाइल के फोन के साथ वाला चार्जर ही आपको यूज करना है चार्जिंग के लिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि काफी सारे लोग जो है अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो आपको अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा के बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है ना। इससे भी आपको मोबाइल फोन जो है हीट करने लग जाता है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको मोबाइल फोन के साइड में ये जो पावर बटन दिया हुआ होता है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन हो जाएगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, आपको रीस्टार्ट पे टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी दूर हो जाती है, जैसे कि मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन हीट करता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए। अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का एक बार सिस्टम चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो इंटरनेट आपको चालू रखना है मोबाइल फोन का। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। इस सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन नजर आता है तो इसे आपको टैप कर देना है। इससे आपको मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेट होने लग जाएगा। सिस्टम को अपडेट होने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा भी लग सकता है, तो आपको सिस्टम अपडेट का जो प्रोसेस है वो आपको पूरा कंप्लीट होने देना है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन की जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों, आपको कुछ छोटी छोटी बातों का और भी ध्यान रखना है। देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो ब्राइटनेस होता है, इसे आपको फुल नहीं रखना है। काफी सारे लोग इसे ब्राइटनेस को लगभग फुल रखते हैं, तो इससे आपका मोबाइल फोन जो है ना हीट करता है, गर्म करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल रखना है जितनी आपको जरूरत है। और आपको अपने मोबाइल फोन में जो है ना काफी ज्यादा लंबे समय तक काफी लोग जो है यूज करते हैं, जैसे कि 4-5 घंटे तक भी लगातार कंटिन्यू अपने फोन को यूज करते रहते हैं, जिसके कारण भी आपका मोबाइल फोन जो ना हीट करता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बातें मैं और भी बताता हूँ। देखिए गर्मियों के सीजन में ऐसा होता है ना कि आप अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो भी आपका मोबाइल फोन जो है रखे रखे गर्म होता है। उसका कारण ये होता है कि गर्मी का सीजन का होना, उसके मोबाइल फोन के चारों ओर जो एटमोसफेयर होता है वो गर्म होता है, ठीक है ना। तो आपको अपने फोन को गर्मी के सीजन में ऐसी जगह पर रखना है कहीं कूलर या पंखा चल रहा हो, ठीक है ना, फ्रिज में मत डाल देना, नहीं तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आपको लेकिन ना रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, जैसे कि फोटो वीडियो वगैरह जो भी आपके फोन में डेटा है, वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में पहले ट्रांसफर कर लेना है, उसके बाद ही आपको इसे रीसेट करना है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से कहीं पे लिख के रख लेना है, ठीक है। तो ये 2 काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको इसे रीसेट करना है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए तो आपके मोबाइल फोन की जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये सारे प्रोसेस काम यूज करने के बाद भी अगर आपके मोबाइल फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, वहां पर अपने मोबाइल फोन को दिखा देना है। ध्यान रखिए अपने मोबाइल फोन के चार्जर को भी अपने साथ में लेके जाना है। यहाँ पर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल फोन हीट करता है, ठीक है ना। तो आपको मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जितने प्रोसेस आपको बताए हैं इस वीडियो में वो आपको मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं।